हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास बीए फाइनल द जू स्टोरी। क्लास बीए फाइनल में जो आपका एक प्ले है द जू स्टोरी, शॉर्ट प्ले है इसके बारे में, जिसे लिखा है एडवर्ड अल्वी ने। ये इससे पहले क्वेश्चन करा भी दिया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहली हेडिंग, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है, एडवर्ड अल्वी इज अ ग्रेट राइटर, ये एक महान राइटर हैं। ही इज एन अमेरिकन ड्रामाटिस्ट, वह एक अमेरिका के नाटककार हैं। ही इज एसोसिएटेड, वह संबंधित हैं टू द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये एक टाइप का प्ले होता है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इससे ये एसोसिएट है मतलब संबंधित हैं। द जू स्टोरी इज एडवर्ड अल्वीज फर्स्ट प्ले, द जू स्टोरी जो है उनका फर्स्ट प्ले है। इट वॉज परफॉर्म इन 1959 मतलब 1958 में ये लिखा गया था और 1959 में ये परफॉर्म किया गया था। दिस प्ले डील्स विद इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ आइसोलेशन और लॉन्लीनेस, ये लॉन्लीनेस मीन्स अकेलापन और आइसोलेशन ये भी होता है अकेलापन एकांत, ये प्ले एकांत के बारे में है या इस प्ले की महत्वपूर्ण, इस प्ले का जो महत्वपूर्ण विषय है वो अकेलापन है। सेकेंड हेडिंग है द करेक्टर्स ऑफ द प्ले, प्ले के करेक्टर्स। द जू स्टोरी इज अ फेमस प्ले ऑफ एडवर्ड अल्वी, द जू स्टोरी एडवर्ड अल्वी का एक फेमस प्ले है। देर आर ओनली टू करेक्टर्स, केवल दो करेक्टर्स हैं इन द प्ले, प्ले में इस प्ले में केवल दो करेक्टर्स हैं। दीज करेक्टर्स आर, ये दो करेक्टर्स हैं पीटर एंड जेरी। द होल प्ले इज बेस्ड ऑन, पूरा प्ले जो है वो बेस है किस पर, कन्वर्सेशन वार्तालाप पर, बिटवीन दीज टू करेक्टर्स, इन्हीं दो करेक्टर्स के बीच जो वार्तालाप है पूरा प्ले उसी पर ही आधारित है या बेस्ड है। नेक्स्ट हेडिंग है द जू स्टोरी ऑफ द प्ले, प्ले की स्टोरी, इसकी स्टोरी क्या है। तो पीटर एंड जेरी रिप्रेजेंट टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पीटर और जेरी समाज के दो पहलुओं को या दो विभागों को या भाग को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दैट हैज़ नथिंग वन, एक दैट हैज़ नथिंग, क्या मतलब हुआ कि पीटर और जेरी इस सोसाइटी के दो सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है दैट हैज़ नथिंग, पहला जो कि पीटर है या जेरी, पहला जिसके पास कुछ भी नहीं है और दूसरा जिसके पास किसी भी चीज़ का लैक नहीं है मतलब कमी, जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जेरी इज पुअर, जेरी गरीब है एंड पीटर इज रिच, और पीटर अमीर है। दिस स्टोरी एक्सपोजेज, ये कहानी बताती है, एक्सपोज करती है हाउ अ कॉमन अमेरिकन सफर्स, किस तरह से एक सामान्य अमेरिकावासी कष्ट सहता है फ्रॉम लॉन्लीनेस, अकेलेपन से कैसे कष्ट सहता है। जेरी इज अ पुअर मैन, जेरी एक गरीब आदमी है हु सफर्स, जो कष्ट सहता है माइजरेबली दुख के साथ में इन हिज पर्सनल लाइफ, अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे कष्ट होता है, वह कष्ट सहता है। ही विजिट्स अ पब्लिक पार्क, वह एक पब्लिक पार्क में जाता है टू फाइंड संबंध, ताकि वह किसी को पा सके, फाइंड कर सके, वह किसी को प्राप्त करने के लिए, किसी से मिलने के लिए या कोई व्यक्ति उसे मिल जाए, इसके लिए वह पब्लिक पार्क में जाता है टू टॉक, बात करने के लिए, बात करने के लिए जाता है। ही फाइंड्स, वह पाता है पीटर के लिए रीडिंग अ बुक, वह देखता है कि पीटर एक पुस्तक पढ़ रहा है ऑन अ बेंच, बेंच पर वह देखता है, बेंच पर या वह बेंच पर पीटर को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। जेरी एंड पीटर, जेरी और पीटर आर स्ट्रेंजर्स, वे अजनबी हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जेरी ट्राइज टू टॉक, जेरी बात करने का प्रयास करता है पीटर से, जेरी पीटर से बात करने का प्रयास करता है, बट लेकिन पीटर डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट, लेकिन पीटर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जेरी बिगिंस टू क्यूरल, जेरी झगड़ना शुरू कर देता है विद पीटर, पीटर से, जेरी पीटर से झगड़ना शुरू कर देता है। एंड पुशेस हिम, और उसे धक्का देता है, डाउन द बेंच, बेंच से नीचे धक्का दे देता है। व्हेन पीटर फाइट्स फॉर द बेंच, जब पीटर बेंच के लिए झगड़ता है, लड़ता है, जब पीटर बेंच के लिए झगड़ता है, जेरी ओपन्स अ नाइफ, जेरी एक चाकू खोलता है। इन द फाइट, फाइट में जेरी मर जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, द थीम ऑफ द प्ले, प्ले की थीम या विषय इसका क्या है। एडवर्ड अल्वी इज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ अमेरिका,
एडवर्ड अल्वी अमेरिका के एक फेमस या महान ड्रामाटिस्ट हैं। हिज द जो स्टोरी अल्वी का जो द स्टोरी प्ले है स्ट्रेसेस द थीम, थीम के बारे में बताता आइसोलेशन कि इसका विषय जो है आइसोलेशन है। इस वर्ड तो वैसे ही फेमस है आजकल आइसोलेशन, वैसे भी किसी को कोरोना हो जाता है तो उसे करते हैं आइसोलेट, तो वही वर्ड है ये आइसोलेशन, मतलब एकांत अकेलापन। मतलब इस नाटक या ड्रामा का, ड्रामा की जो थीम है वो है एकांत अकेलापन आइसोलेशन। द जू प्रेजेंट्स चिड़ियाघर या प्रेजेंट चिड़ियाघर या जू प्रेजेंट करता क्या द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें जू ये रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, ये कह सकते हैं जू को माना गया संसार। इन विच आल लिव जिसमें हम सब रहते हैं, इन आइसोलेशन अकेलेपन में। द रिच रिगार्ड द पुअर एज एनिमल्स जो अमीर हैं वह गरीबों को पशु मानते हैं, एनिमल समझते हैं। लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन इन दिस वे इट कैन बी सेड दैट इस तरह से या इस प्रकार से ये कहा जा सकता है एडवर्ड अल्वी इज अ ग्रेट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एडवर्ड अल्वी इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के एक महान राइटर हैं। ही इज अ फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ अमेरिका, वह अमेरिका के एक प्रसिद्ध ड्रामाटिस्ट हैं। ही हैज रिटन मैनी प्लेज उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं। द जू स्टोरीज वन ऑफ देम और द जू स्टोरी उनमें से एक है। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन द जू स्टोरी के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।